हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है इंडिया और उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ का मैच है, वो भी T20। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हॉटस्टार पे जो है मैच देखने को मिल नहीं रहा है, जिसके बिना पे कहीं हम मैच लाइव देख नहीं पाते हैं मोबाइल से, तो दिक्कत हो जाती है। और हम चाहते हैं कि फ्री में वॉच करना, क्योंकि हर किसी के पास तो टीवी है नहीं। तो आज मैं यही बताऊंगा कि आप जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन ही से हॉटस्टार में, मैं आपको अभी ओपन करके ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है अभी मैच का दे ही नहीं रहा ऑप्शन। मतलब जो लाइव जो चलता था, ये सिर्फ शुरू में जो है देख सकते हैं, ये सिर्फ जो है एडवर्टाइज़ है, ये एड है। इसके अलावा आपको जो स्पोर्ट में आता है यहाँ पे स्लाइड बार में, यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है। और आगे चल के चलिए, यहाँ पे नहीं आ रहा था स्पोर्ट में भी, देखते हैं ये स्पोर्ट है नीचे में स्मोक के करके। तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, हाईलाइट देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको लाइव नहीं देखने को मिल रहा है। देख, कहीं भी लाइव नहीं है। तो अब इसे लाइव कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको पूरी वीडियो को वॉच करनी होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि अभी फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसी बना पे, क्योंकि अभी जो है मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, कहीं और हूँ, इसके बिना मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ लाइव। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ जो है ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं बता दूंगा, लेकिन 100% जेन्युइन होगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो अब आपको स्टार्ट करके बता देते हैं पूरा प्रोसेस क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना यह होगा कि आपके पास जो भी ब्राउजर हो वो उसे आप ओपन कर लीजिए, चाहे जो भी हो। मेरे पास क्रोम है, मैं ओपन कर लेता हूं। और यहां पे सिंपली से राइट करना है smartcricket.com। तो मैं राइट कर देता हूं, और उसके बाद जैसे ओके करेंगे तो आपको एक पेज खुल के आएगी यहां पे, जो बताएगा कि दिस साइड कैन बी रीच। बता रहे, देख रहे हैं यहां पे कि लिखा हुआ है कि दिस साइट कैन बी रीच, मतलब ये है कि ब्लॉक है, आप इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। और यही एक जरिया है जहां से आप जो है वॉच कर सकते हैं, वो मैं आपको किस तरह से बताऊंगा, ये भी सोल्यूशन बताऊंगा इसे कैसे खोल सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आप प्ले स्टोर जो आप ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर सिंपली सर्च करना है VPN Turbo। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे, क्योंकि आपको एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आपके पास कोई भी VPN है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, और जैसे इंस्टॉल का ऑप्शन है, आपको बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड हो जाएगा, फ्री VPN है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, मेरा डाउनलोड भी मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा MB की नहीं है। और मैं इसे ओपन करके फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। मैं इसे अब ओपन कर लेता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं थर्डबो है। तो यहां पर सबसे पहले आपको आ गया खुल के आई एग्री का, तो इससे क्या करना है, कंफर्म कर देना है, सबसे पहला काम ये। उसके बाद फिर आपको नीचे में नो थैंक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको फ्री में पहले तो स्टार्ट 7 जो है डेज ट्रायल नो, लेकिन हमें इसे नहीं करना है। नो थैंक्स जो नीचे में है इसे हमको ओके करना है, जिससे नो थैंक्स पर ओके कर देंगे तो आपको जो है नेक्स्ट पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको करना है, यहाँ जो देख सकते हैं कैरेट का जो निशान है, टैप टू कैरेट जो सॉरी कनेक्ट, तो इस पर जो ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो आपको ओके करने का है, यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट में जो कुछ मांगता है इसे ओके कर दीजिए। अब उसके बाद जैसे आप ओके कर देंगे, कंफर्म हो जाएगा, तो आपको प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपको यहाँ पे, तो कनेक्ट भी हो गया। अब क्या करना है कि ये एड आ गया, मैं काट देता हूँ इसे, देख सकते हैं कनेक्ट हो गया, जहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ है। अब इसे क्या करना है, सिंपली से आप काट दीजिए डायरेक्टली, बीच ही से डायरेक्टली काट दीजिए, आपको कट नहीं करना, बल्कि बीच से डायरेक्ट काट के ये कर देना है। तो चलिए मैं इसे काट देता हूँ। अब उसके बाद फिर वही ब्राउज़र खोलिए जहाँ पे आपने खोल रखा था, आप उसे खोल के थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कर दीजिए एक मरतबा, जैसे रिफ्रेश कर दीजिए तो फिर से ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि दूसरा लिखी करके, जिसे देखिए ओपन हो चुका है। अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल, आप रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे, मैं दूसरा न्यू टैब लेके VPN तो स्टार्ट है, मैं इसी पे स्मार्ट क्रिक लिख के ओके कर देता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ, फिर डायरेक्टली वही पेज आपको ओपन हो जाएगा। ये देखिए खुल गया। अब यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिल गया कि यहाँ पे सबसे पहले जो है दूसरा मैच हमको देखना है, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का, तो इस पर ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो आपको क्वालिटी मांगी जाएगी, मीडियम हाई लो, तो आपको जो भी पसंद वो कर लीजिए। जैसे देख सकते हैं मीडियम हाई लो, तो मैं मीडियम में देखना चाहता हूँ, इसको मीडियम पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डाउनलोड APK जो फाइल जो बता रहे नीचे में, आप इसे डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन काम नहीं कर पाएगी। देख सकते हैं मैच स्टार्ट हो गया हुआ, ये लास्ट मैच है, जो फर्स्ट मैच जो खेला गया था वो है, सेकंड मैच के लिए आज है जो खेला जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि ये लाइव तो दिखा दिया हमने कि किस तरीके से देख सकते हैं, पूरा चला नहीं सकता हूँ क्योंकि स्ट्राइक आ सकती है।
तो टोटल हमने बता दिया कि आप किस तरीके से फ्री में वॉच कर सकते हैं और अनलिमिटेड वॉच कर सकते हैं। तो जाइए मजा उठाइए, चाहे आपके पास जो भी सिम हो, एयरटेल, आइडिया, वोडा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए आसानी से पूरा मैच को देखिए, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं से अब खत्म कर देते हैं।